आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस, लड़ाई सच की। नमस्कार, मैं संजू ठाकुर, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस, देखते रहिए रफ्तार न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग हर वर्ष गणेश पूजन करते थे, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते थे और उसके बाद में विसर्जन करते थे। तो लॉकडाउन को देखते हुए जिस तरह की सरकार की गाइडलाइन है और आदेश भी हैं, उन आदेशों का हम लोगों को पालन करना चाहिए कि हम एक समूह के रूप में विसर्जन करते हैं और भव्य तरीके से पूरे देश के अंदर ये त्यौहार मनाया जाता है जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल में कोरोना वायरस की वजह से जिस तरह से तेज़ी से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपने क्षेत्र की जनता से, खासतौर पर लोनी के अपने भाइयों से, बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सरकार का जो गाइडलाइन आई है उसका पालन करते हुए इस त्यौहार को मनाएं, लेकिन गणेश विसर्जन करने से थोड़ा सा परहेज रखें। कहीं भी ऐसा कोई आप देख लीजिए आसपास में, आपको लगता है कि कोई, या हम लोग कच्चा क्षेत्र हो और गड्ढा खोद के वहाँ पर इसका विसर्जन करें। और दूसरा, मैम जो मुहर्रम का त्यौहार है उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उसी तरह से सरकार के इन आदेशों का आप लोग भी पालन करें, ताजिया ना निकालें। और यही मेरी तरफ से अपने लोनी के क्षेत्रवासियों के लिए अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मनोज धामा, पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष लोग।